गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, लवली स्टूडेंट्स। हम आपको 10th क्लास का एक चैप्टर पढ़ाएंगे। वो चैप्टर होगा बुक का 9 नंबर। इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये चैप्टर बोर्ड में 6 मार्क्स का आएगा। 6 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा। वो क्वेश्चन होगा पेपर का, बोर्ड के पेपर की बात कर रहा हूँ मैं, एनुअल एग्ज़ाम क्वेश्चन नंबर 28 नंबर जो क्वेश्चन होगा वो इस चैप्टर का होगा और वो 6 मार्क्स का आएगा। उसमें 2 पार्ट भी हो सकते हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट 3 मार्क्स का, सेकंड पार्ट भी 3 मार्क्स का, 3+3=6, या फिर सिंगल क्वेश्चन भी 6 मार्क्स में आ सकता है। अंडरस्टैंड? तो चैप्टर कौन सा है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का है। कौन सा क्वेश्चन आएगा? 28। कितने पार्ट आएंगे? 2 पार्ट आएंगे, 3+3=2 पार्ट, या फिर एक सिंगल क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स का। तो अब इसमें क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? या आपने 9th क्लास में देखा था कि एक पॉइंट होगा, दिस इज पॉइंट, इसको हमने पी सपोज किया है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई। एक पॉइंट सेकंड है क्यू, उसका कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई। ये फर्स्ट पॉइंट था, सो एक्स वन कोमा वाई वन। ये सेकंड पॉइंट है तो एक्स टू कोमा वाई टू। तो आपको एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, 2 पॉइंट्स हैं पी एंड क्यू। हमको इसमें क्या फाइंड करना है कि इन दोनों पॉइंट के मिड में कितनी डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे हम स्केल यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे अपने को एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू कोऑर्डिनेट इज गिवन, देन यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? टॉपिक का नेम होगा आज का अपना द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, टू पॉइंट्स के मिड की डिस्टेंस फाइंड कैसे करते हैं, उसके लिए हम आपको फॉर्मूला समझा रहे हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला देखिए, पी एंड क्यू, पी क्यू इज इक्वल अंडर रूट ब्रेकेट एक्स टू माइनस एक्स वन ब्रेकेट क्लोज स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन ब्रेकेट क्लोज स्क्वायर। ये है डिस्टेंस फॉर्मूला। इस डिस्टेंस फॉर्मूले से हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे? हम आपको एक एग्जांपल दे के समझा रहे हैं अभी। जैसे एग्जांपल नंबर 1, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। फाइंड द डिस्टेंस पी 1.4 एंड क्यू 5.6। पी एंड क्यू की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। पी क्यू इक्वल टू यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, राइट करेंगे फॉर्मूला, एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन स्क्वायर इज इक्वल अंडर रूट पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट में ये एक्स होगा, ये वाई होगा, फिर ये एक्स होगा, ये वाई होगा। ये पी पॉइंट फर्स्ट नंबर पे है तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया,
ये क्यू सेकंड नंबर पे है तो ये एक्स टू हो गया और ये वाई टू हो गया। एक्स टू फाइव है, वाई टू सिक्स है। एक्स वन वन है, वाई वन फोर है। हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, एग्ज़ाम में ऐसे एरो का यूज नहीं करेंगे, केवल आपको समझाने के लिए राइट किया गया है। तो हम पुट करेंगे एक्स टू की वैल्यू, एक्स टू देखिए कितना है, फाइव, तो यहाँ आ गया फाइव। माइनस एक्स वन, एक्स वन कितना है, वन, तो आ गया वन स्क्वायर। प्लस ब्रेकिट वाई टू, वाई टू कितना है बेटा, सिक्स, सिक्स। माइनस वाई वन, वाई वन फोर स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप इक्वल अंडर रूट फाइव में से वन लेस कर देंगे, फोर का स्क्वायर। प्लस सिक्स में से फोर लेस कर देंगे, टू स्क्वायर। फिर इज इक्वल अंडर रूट फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, प्लस टू का स्क्वायर फोर। फिर इज इक्वल अंडर रूट ट्वेंटी, अंडरलाइन कर देंगे। ये डिस्टेंस है बिटवीन पी एंड क्यू। इस प्रकार से हम एनी टू पॉइंट्स की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट्स जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। हमने आपको ओनली पॉजिटिव नंबर का ही डिस्टेंस फाइंड करना बताया है। ओके, अब हम एग्जांपल नंबर सेकंड की बात करते हैं, जिसमें पॉइंट्स चेंज करेंगे। फाइंड द डिस्टेंस ए माइनस वन थ्री एंड बी जीरो कोमा फोर। अब की बार कोऑर्डिनेट जीरो भी आ गया, माइनस का भी आ गया, प्लस का भी आ गया। हम कैसे पुट करेंगे, सोल्व कर रहे हैं इसको यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए बी, तो ए बी आएगा। पी एंड क्यू, तो पी क्यू आएगा। सी एंड डी, तो सी डी आएगा। नेम चेंज होने से डिस्टेंस नेम भी चेंज होगा। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर इज इक्वल अंडर रूट एक्स टू की वैल्यू। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये पॉइंट एक्स वन, वाई वन, एक्स टू, वाई टू। आप एक्स वन, वाई वन, एक्स टू, वाई टू को पुट करेंगे। एक्स टू की वैल्यू देखिए ऊपर, देखिए यहाँ एक्स टू वैल्यू क्या है, जीरो। माइनस एक्स वन की वैल्यू देखिए कितनी है, माइनस वन। तो माइनस वन यहाँ पे है और माइनस ये है, तो माइनस और ये वाला माइनस दोनों हो गए प्लस और आ गया वन स्क्वायर। प्लस ब्रेकेट वाई टू की वैल्यू क्या है, फोर। वाई टू की वैल्यू कितनी, फोर, फोर। माइनस वाई वन की वैल्यू है थ्री, थ्री स्क्वायर इज इक्वल अंडर रूट जीरो प्लस वन, वन स्क्वायर प्लस फोर माइनस थ्री इज इक्वल टू वन स्क्वायर। फिर इज इक्वल वन का स्क्वायर वन प्लस इस वन का स्क्वायर वन इज इक्वल टू वन प्लस वन इज इक्वल टू टू अंडर रूट टू। तो डिस्टेंस आ गई ए बी की रूट टू। तो ऐसे डिजिट्स नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, जीरो हो सकता है। आपको इस टाइप से पुट करना है, फॉर्मूले में पुट करने के बाद उसको सोल्व करेंगे और आंसर वी गेट। अंडरस्टैंड, नेक्स्ट स्टार्ट करता हूँ। अब हम आपको डिस्टेंस फाइंड करने के फाइव क्वेश्चन राइट कर रहे हैं, तो आप सभी स्टूडेंट्स इन फाइव क्वेश्चन की डिस्टेंस फाइंड करेंगे और बताएंगे कि ये डिस्टेंस आ रही है, या आपको एनी प्रॉब्लम हो तो हमको आप बताएं। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन राइट कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन में डिस्टेंस फाइंड करनी है। पी वन कोमा माइनस थ्री एंड क्यू
फाइव कोमा माइनस सिक्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड पी माइनस टू कोमा जीरो एंड क्यू माइनस वन माइनस फोर, क्वेश्चन नंबर थ्री ए फोर कोमा टू एंड बी सिक्स कोमा माइनस थ्री, फोर ए वन कोमा सिक्स एंड बी फोर कोमा माइनस सिक्स, क्वेश्चन नंबर फाइव ए थ्री कोमा वन एंड बी जीरो कोमा जीरो। तो फाइव क्वेश्चन हमने राइट किए हैं। ऑल स्टूडेंट्स फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन गिवन पॉइंट्स। अंडरस्टैंड? या अभी सोल्व करेंगे, फिर हम आपको नेक्स्ट आगे बताएंगे क्वेश्चंस कैसे सोल्व करने हैं पेपर के। अब अपन क्वेश्चन सिक्स मार्क्स का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये हमने आपको छोटे क्वेश्चन बताए थे डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। अब हम सिक्स नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं जो बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक क्वेश्चन सोल्व हम कर रहे हैं, फिर एक क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे। ओके, तो क्या क्वेश्चन है? प्रूव दैट द पॉइंट ए वन कोमा माइनस टू बी थ्री कोमा जीरो सी वन कोमा टू एंड डी माइनस वन कोमा जीरो। क्या प्रूव करना है इसमें हमको? आर द वर्टिसेज ऑफ ए स्क्वायर, कि प्रूव दैट द पॉइंट्स, जो पॉइंट्स हैं ए है बी है सी है एंड डी है, ये जो पॉइंट्स हैं ये वर्टिसेज आर द वर्टिसेज ऑफ ए स्क्वायर, एक स्क्वायर की शेप के वर्टिसेज हैं, कॉर्नर हैं। तो हम ये कैसे प्रूव करेंगे, ये हम आपको एक छोटे से फिगर से बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक स्क्वायर का फिगर जनरेट करेंगे। ये फिगर हमने बनाया स्क्वायर का। अब हम जानते हैं नाइन्थ क्लास से कि स्क्वायर क्या होता है। ये ए पॉइंट है, ये वर्टिसेज है, ये बी वर्टिसेज है, ये सी वर्टिसेज है, ये डी वर्टिसेज है। तो ए पॉइंट का वर्टिसेज गिवन था वन कोमा माइनस टू, बी पॉइंट का था थ्री कोमा जीरो, सी पॉइंट का था वन कोमा टू और डी पॉइंट का था माइनस वन कोमा जीरो। तो हम वी नो दैट नाइन्थ क्लास से कि स्क्वायर में फोर साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए, फोर साइड्स आर इक्वल। यदि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स ये होता है ए सी डायगोनल है और एक डायगोनल है इसमें बी डी, इसमें टू डायगोनल हैं। तो फोर साइड्स या ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड ए स्क्वायर। तो स्क्वायर प्रूव हो जाएगा। तो हमको स्क्वायर प्रूव करने के लिए इसकी साइड्स फाइंड करनी है। सबसे पहले या फर्स्ट में हम ए बी साइड फाइंड करेंगे। ए बी, तो ए का पॉइंट गिवन, बी का पॉइंट गिवन, तो ए एंड बी में डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर देंगे। और डिस्टेंस फॉर्मूला अभी हमने आपको बताया था यूज करना। फिर हम बी और सी में यूज कर देंगे, बी सी फाइंड कर लेंगे बी से और सी से बी सी आ जाएगा। फिर सी और डी पॉइंट से सी डी की डिस्टेंस आ जाएगी और फिर डी और ए से ए डी की डिस्टेंस आ जाएगी। तो ऑल साइड्स चेक करेंगे, यदि इक्वल होंगी तो फिर हम डायगोनल्स फाइंड करेंगे। तो डायगोनल्स ए सी, तो ए से और सी से ये ए सी आएगा। ओके, फिर सिमिलरली बी
और डी पॉइंट से बी टी डायगोनल आएगा, तो टू डायगोनल की डिस्टेंस आ जाएगी। फिर हम लास्ट में राइट कर देंगे कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल, डेट इज़ कॉल्ड ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, हैंस प्रूफ, प्रूफ हो गया। तो अब हम आपको ए बी डिस्टेंस फाइंड करना बता रहे हैं। तो सबसे पहले राइट करेंगे यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस वाई टू माइनस वाई वन और यहाँ पे स्क्वायर। ओके, तो ए और बी आपके सामने लिखा हुआ है, देखिए ना, ए रहा और बी ये रहा, आपको ओनली ए और बी पे ही देखना है। ऑल स्टूडेंट्स कहाँ पे देखेंगे? ए और बी पे। तो ए पे जाएंगे तो ये ए एक्स वन, ये वाई वन, ये एक्स टू और वाई टू। ऐसा आप राइट नहीं करेंगे, ऐसा राइट बिल्कुल नहीं करेंगे। केवल आपको समझा रहा हूँ मैं कि एक्स वन वन होगा, वाई वन माइनस टू होगा, एक्स टू थ्री होगा, वाई टू ज़ीरो होगा। अंडरस्टैंड? आपको ये राइट नहीं करना है। आप एक बार समझने के बाद फिर डायरेक्ट पुट करेंगे, ए इज फर्स्ट बी इज सेकेंड, ए इज फर्स्ट देन एक्स वन वाई वन, बी सेकेंड तो एक्स टू वाई टू। ओके, वी फोर हम पुट करेंगे इज इक्वल अंडर रूट एक्स टू की वैल्यू है थ्री थ्री माइनस एक्स वन की वैल्यू है वन स्क्वायर प्लस वाई टू की वैल्यू है जीरो, दिख रही है सबको? ये रही जीरो, माइनस वाई वन की वैल्यू क्या है? माइनस टू। तो माइनस अपने फॉर्मूले का था, एक माइनस वाई वन के डिजिट का है, तो ये माइनस और ये वाला माइनस, तो क्या होगा? ये प्लस टू स्क्वायर, फिर इज इक्वल फिर अंडर रूट माइनस थ्री में से वन लेस करेंगे, सॉरी थ्री में से माइनस करेंगे वन, कितना हो गया? टू का स्क्वायर प्लस जीरो प्लस टू का स्क्वायर इज इक्वल टू का स्क्वायर फोर, फोर इज इक्वल टू अंडर रूट एट इज इक्वल टू टू अंडर रूट टू। ये डिस्टेंस आ गई अपने पास में ए बी की। सिमिलरली फाइंड करेंगे बी सी की। तो डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ बी सी इज इक्वल टू यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, आप डायरेक्ट पुट करेंगे, बार बार फॉर्मूला रिपीट नहीं करेंगे। तो बी और सी, तो आप देखेंगे फिगर में बी और ये सी, तो फर्स्ट में कौन है? बी। सेकंड में कौन है? सी। तो फर्स्ट में बी है ना, तो बी में ये कौन होगा बेटा? एक्स वन होगा, ये कौन होगा? वाई वन होगा, और ये कौन होगा? एक्स टू होगा, और ये कौन होगा? वाई टू होगा। ओके, रिपीट कर रहा हूँ, ये एक्स वन, ये वाला वाई वन, ये वाला एक्स टू और ये वाला वाई टू। पुट कर दूँ बी और सी में, देखना इधर आपको बी फर्स्ट सी सेकंड। तो देखना आप बताएंगे मेरे को एक्स टू की वैल्यू क्या है? एक्स टू की वैल्यू वन, फिर माइनस, फिर एक्स वन की वैल्यू क्या थी? थ्री स्क्वायर प्लस वाई टू की वैल्यू क्या है? टू माइनस वाई वन की वैल्यू क्या है? जीरो का स्क्वायर इज इक्वल अंडर रूट, पुट कर दिया हमने, वन माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस टू माइनस जीरो का स्क्वायर। पुट किया वन में से थ्री लेस किया तो माइनस का टू का स्क्वायर, प्लस टू में से जीरो गया तो टू का स्क्वायर, फिर इज इक्वल फिर अंडर रूट
माइनस टू का स्क्वायर, एनी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर ऑलवेज वी गेट पॉजिटिव नंबर। माइनस टू का स्क्वायर कितना हो गया 4, फिर टू का स्क्वायर 4 इज इक्वल 4 और 4 8, फिर इज इक्वल रूट 8 की वैल्यू होती है √2। हमने फाइंड किया डिस्टेंस ऑफ बीसी, तो हमारे पास डिस्टेंस ऑफ एबी आ गया, डिस्टेंस ऑफ बीसी आ गया। अब फाइंड करेंगे हम डिस्टेंस ऑफ सीडी, सी और डी की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो सी क्या हो गया फर्स्ट हो गया, डी क्या हो गया सेकंड हो गया। तो सी में क्या होगा, ये एक्स वन, ये कौन होगा वाई वन, और ये कौन होगा एक्स टू, ये कौन होगा वाई टू। दिख रहा है सबको, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू। तो पुट कर दूँ कौन से फॉर्मूले में, डिस्टेंस फॉर्मूले में। तो यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला सिमिलरली अब फाइंड कर रहा हूँ सी और डी। तो सी डी फाइंड कर रहा हूँ, देखिए सी डी फाइंड कैसे करेंगे। नेक्स्ट आप सी पे और डी पे ध्यान देंगे, डिस्टेंस ऑफ सी डी इज इक्वल अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। सी और डी पे देखेंगे आप और पुट करेंगे, सी में देखो एक्स टू एक्स वन वाई टू वाई वन की वैल्यू सी और डी में, तो एक्स टू हो गया अपने पास में कितना है माइनस वन, एक्स वन वन, वाई टू की वैल्यू है जीरो, वाई वन की वैल्यू कितनी है टू स्क्वायर इज इक्वल फिर अंडर रूट माइनस वन माइनस वन माइनस टू का स्क्वायर प्लस जीरो माइनस टू का स्क्वायर इज इक्वल माइनस टू का स्क्वायर फोर, माइनस टू का स्क्वायर फोर इज इक्वल टू रूट एट, फिर इज इक्वल टू टू रूट टू। ये हमारे पास में टू रूट टू कौन आ गया, डिस्टेंस ऑफ सी डी, डिस्टेंस ऑफ सी डी। सिमिलरली फाइंड करेंगे आप बताइए कौन, डिस्टेंस डी और ए, डी ए या फिर ए और डी, नो इफेक्ट, डी ए फाइंड कर लो या फिर ए डी फाइंड कर लो, डिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं होता। तो अब डिस्टेंस ऑफ डी ए, डिस्टेंस ऑफ डी ए फाइंड कर रहा हूँ अब, डिस्टेंस ऑफ डी ए इज इक्वल टू अंडर रूट डी इज फर्स्ट एक्स वन वाई वन एक्स टू और ये वाई टू। पुट करूँ तो देखना एक्स टू की वैल्यू क्या है वन, एक्स वन की वैल्यू माइनस माइनस प्लस, वाई टू की वैल्यू माइनस टू, वाई वन की वैल्यू जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट वन और वन टू का स्क्वायर टू माइनस माइनस टू माइनस जीरो, माइनस टू माइनस जीरो का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर इज इक्वल टू का स्क्वायर फोर, माइनस टू का स्क्वायर फोर इज इक्वल टू रूट एट, ये आ गया टू रूट टू। ऑल साइड्स डिस्टेंस हमने फाइंड कर ली, अब मैं फाइंड कर रहा हूँ डायगोनल की डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ डायगोनल डिस्टेंस, डायगोनल कौन सा होगा ए सी, ए और सी की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो ए तो हो गया फर्स्ट, सी हो गया सेकंड, एक्स वन वाई वन ये हो गया एक्स टू और वाई टू। सिमिलरली बी और डी, तो बी फर्स्ट हो जाएगा और डी सेकंड हो जाएगा। तो अब डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट, तो ए और सी, ए और सी देखेंगे आप, तो एक्स वन वाई वन हो गया एक्स टू वाई टू, तो एक्स टू की वैल्यू, एक्स टू की वैल्यू कितनी है अपने पास में ए और सी में, देखो ध्यान से एक्स टू की वैल्यू है वन, तो हम वन पुट कर देंगे
अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन देखेंगे अपने आप क्या पुट कर रहा हूँ। ए में और सी में पुट किए मैंने एक्स टू की वैल्यू 1 माइनस एक्स वन की वैल्यू 1 स्क्वायर वाई टू की वैल्यू 2 वाई वन की वैल्यू माइनस 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 प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 1 में 1 गया तो 0 2 और 2 4 0 4 का स्क्वायर 16 तो ये कितना हो गया 4। ये डिस्टेंस कितनी आ गई 4। इन डिस्टेंस के आगे हम यूनिट्स भी राइट कर देंगे क्योंकि ये डिस्टेंस है। ओके क्या राइट कर देंगे यूनिट्स यूनिट्स 2√2 यूनिट्स 2√2 यूनिट्स 4 यूनिट्स। ओके अब लास्ट डिस्टेंस ऑफ बी डी बी और डी में बी इज फर्स्ट डी इज सेकेंड तो बी पॉइंट और डी पॉइंट में देख के बताएंगे मुझे एक्स टू की वैल्यू 3 एक्स टू की वैल्यू डी में माइनस की 1 है चेक करो आप माइनस 1 माइनस एक्स वन की वैल्यू 3 प्लस वाई टू की वैल्यू 0 वाई वन की वैल्यू 0 रूट माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 0 माइनस 4 का स्क्वायर 16 0 रूट 16 इक्वल टू 4 यूनिट्स। तो हमने देखा डायगोनल्स की जो डिस्टेंस थी सेम आ गई, डायगोनल्स सारे इक्वल हो गए और साइड्स की वैल्यूज भी इक्वल थी 2√2 2√2। तो हमने डिस्टेंस फाइंड करके कंफर्म कर लिया कि अब हम इसमें राइट करेंगे आगे ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए एंड डायगोनल ए सी इज इक्वल टू डायगोनल बी डी डायगोनल बी डी ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल सो ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ये प्रूव हो गया, ये हमारा एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो इस क्वेश्चन में 6 डिस्टेंस थी तो हमको 6 मार्क्स मिल जाएंगे, हर डिस्टेंस का ईच डिस्टेंस का 1 मार्क्स मिलेगा। अंडरस्टैंड? तो हम आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं, आप उसको सेल्फ सोल्व करेंगे। ओके तो क्वेश्चन राइट कर रहा हूँ मैं आपको नेक्स्ट कि प्रूव दैट द पॉइंट्स ए अभी मैंने सोल्व किया था वो क्वेश्चन तो था किसका स्क्वायर का, अब हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं रेक्टेंगल का कि रेक्टेंगल का क्वेश्चन आप कैसे प्रूव करेंगे। तो उसमें ए पॉइंट दे रखा है अपने को -2, -1 फिर बी पॉइंट -1, 1 सी पॉइंट 5, -2 एंड डी पॉइंट 4, -4 आर द वर्टिसेज ऑफ ए रेक्टेंगल। इसमें रेक्टेंगल प्रूव करना है तो रेक्टेंगल आपने 9th क्लास में रीड किया था, रेक्टेंगल क्या होता है और अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जिसकी अपोजिट साइड्स क्या हों इक्वल हों अपोजिट साइड्स। ये हमने एक शेप बताया, ये ए हो गया, ये बी पॉइंट, ये सी और ये डी। अपोजिट साइड्स का मतलब ए बी और सी डी की डिस्टेंस सेम आएगी, बी सी की और ए डी की डिस्टेंस सेम आएगी। और डायगोनल्स हो गया ए सी और एक हो गया बी डी।
डायगोनल्स भी इक्वल होंगे और अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, तो ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। ओके, आप सेल्फ सॉल्व करेंगे और हमको बताएंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपन ने लास्ट डे रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन लिखा था, आपको सेल्फ सॉल्व करना था। ये रेक्टेंगल का मतलब होता है आयत। मैंने फिगर बना के समझाया था आपको कि अपोजिट साइड्स, आमने सामने वाली, ये वाली ये वाली, तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी और ये होते हैं डायगोनल्स। डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण, क्या बोलते हैं इनको, विकर्ण डायगोनल, जिसके विकर्ण भी बराबर हों, इक्वल हों। डायगोनल्स आर इक्वल देन रेक्टेंगल, वो एक रेक्टेंगल होगा, मतलब एक आयत होगा। आयत की परिभाषा क्या होती है, वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाओं में से आमने सामने की भुजाएं लंबाई में बराबर हों, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो और विकर्ण समान हों, तो वो क्या कहलाता है, आयत कहलाता है। तो अपन आपको फिर एक ऐसा ही क्वेश्चन दे रहे हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 6 मार्क्स के लिए, ठीक है। फिर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो भी अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट है, वो भी 6 मार्क्स के लिए है, उसमें भी आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है। ओके, इफ पी पॉइंट दिया है 2, -1, फिर क्यू 3, 4, फिर आर -2, 3 एंड एस, एस पॉइंट दिया है 3, -2, 3, -2, तो पी क्यू आर एस 4 पॉइंट्स गिवन है, तो प्रूव करना है, प्रूव दैट पी क्यू आर एस इज रॉम्बस। रॉम्बस का मतलब होता है समचतुर्भुज, क्या बोलते हैं इसको, समचतुर्भुज, सम यानी समान, चतुर्भुज ने चार भुजा, ने भुजा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो, रोम्बस। तो देखिए ये प्रूव करना है आपको, बट नॉट ए स्क्वायर, बट नॉट ए स्क्वायर, वह एक वर्ग नहीं है। स्क्वायर का मतलब हो गया वर्ग, वर्ग नहीं है वो, वो क्या है, एक समचतुर्भुज है। तो आप देखो समचतुर्भुज कैसे हम प्रूव करते हैं, मैं आपको इसका फिगर समझा रहा हूँ। यह होगा रोम्बस, समचतुर्भुज ए बी सी डी, 4 साइड्स आर इक्वल, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, मीन्स ए बी बी सी सी डी डी ए, ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसकी 4 साइड्स इक्वल हों, एंड और यह हैं इसके डायगोनल्स, 2 डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स आर डज नॉट इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, आर नॉट इक्वल, विकर्ण बराबर नहीं हो, यानी कि उसकी ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स का मतलब उसकी चारों भुजा बराबर हों, ओके, उसकी चार भुजा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए और विकर्ण बराबर नहीं होनी चाहिए, तो समझ जाएंगे वो क्या होगा, एक समचतुर्भुज होगा, रोम्बस होगा, बट नॉट ए स्क्वायर, वो एक स्क्वायर या वर्ग नहीं होगा। स्क्वायर बताओ कब होगा बेटा, स्क्वायर जब होगा जब उसकी ऑल साइड्स आर इक्वल और डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स भी इक्वल हों देन स्क्वायर होगा, यदि डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे देन रोम्बस होगा। ओके, तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, डिस्टेंस आप फाइंड करेंगे, ये ए बी सी डी का मैंने एग्जांपल दिया है, यहाँ पी क्यू आर एस है तो आप यहाँ पी पुट कर लेना, ओके, यहाँ क्यू पुट कर लेना, यहाँ आर पुट कर लेना और यहाँ एस पुट कर लेना, डिस्टेंस फाइंड करना। मैंने आपको बता दिया था कि डिस्टेंस फॉर्मूला याद है ना, रिपीट करूँ, अंडर रूट x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, डिस्टेंस ऑफ PQ
डिस्टेंस ऑफ क्यू आर, डिस्टेंस ऑफ आर एस, डिस्टेंस ऑफ एस पी, डिस्टेंस ऑफ पी आर, डिस्टेंस ऑफ एस क्यू। ये दोनों इक्वल नहीं होंगे क्योंकि ये डायगोनल्स हैं। क्या ये डायगोनल्स हैं, इक्वल नहीं होंगे, जबकि ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये बिल्कुल इक्वल होंगी, मतलब इनकी डिस्टेंस इक्वल आएगी तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा, लास्ट में राइट कर देंगे। सो पी क्यू आर एस इज, पी क्यू आर एस इज रोमबोस बट नॉट ए स्क्वायर। यह एक समचतुर्भुज है, वर्ग नहीं है। ये एक सिक्स मार्क्स का क्वेश्चन था, सेल्फ करना है। प्रॉब्लम आए तो मुझे बता देना, ओके। तो आपको मैंने दो क्वेश्चन या टू क्वेश्चन सोल्व करने के लिए दिए हैं, फर्स्ट रेक्टेंगल का था, आयत का था, सेकंड रोमबस का है, यानी समचतुर्भुज का। दोनों सिक्स मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ले चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट करेंगे, क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, आपको प्रूव करना है यहाँ पे कि कोलीनियर, कोलीनियर, कोलीनियर क्या होता है, पहले आप इसके बारे में समझेंगे। ये आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट के अंदर एक पॉइंट मैंने ये मान लिया, एक पॉइंट ये मान लिया, एक पॉइंट ये मान लिया, थ्री पॉइंट हो गए। ये पी पॉइंट हो गया, ये क्यू पॉइंट हो गया, ये आर पॉइंट हो गया। थ्री पॉइंट, वन टू थ्री, थ्री पॉइंट ऑन ए वन लाइन, स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के ऊपर हूँ, तो उनको बोलते हैं कोलिनियर, मतलब हिंदी में बोलते हैं सनरेख। एक ही रेखा पर स्थित होना, सनरेख होना मीन्स, जैसे थ्री पॉइंट हों, जैसे मैंने पी यहाँ लिख दिया, क्यू यहाँ लिख दिया और आर यहाँ लिख दिया, ठीक है। पी को क्यू से ज्वाइन कर दिया, क्यू को आर से कर दिया और इसको पी को आर से कर दिया, क्या बन गया, एक ट्राइंगल, ट्राइंगल बन गया ना। तो ट्राइंगल क्या मतलब हो गया, ये पॉइंट कोलिनियर नहीं है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, यानी यहाँ पे है। तो कोलिनियर का मतलब हो गया ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पे आ जाए। अब बताओ ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट क्या हो गया, कोलिनियर, एक ही लाइन में स्थित हो गए, मतलब सनरेख हो गए, यानी ट्राइंगल नहीं बना, ट्राइंगल फिनिश हो गया, दोनों लाइन हट गई ना यहाँ से, क्योंकि ये पी पॉइंट है यहाँ पे आ गया ना यहाँ से, समझ गए। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल इज जीरो, ट्राइंगल बना ही नहीं, त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो हो गया। डीपली बता रहा हूँ आपको, वरना आप ये जानो ओनली सिंपल भाषा में कि कोलिनियर का मतलब हो गया सनरेख, एक ही रेखा में स्थित होना। अब इसके लिए आपको कैसे प्रूव करना है क्वेश्चन कोलिनियर के लिए, सुन लो सभी। सम ऑफ टू डिस्टेंस, इफ सम ऑफ एनी, सम ऑफ एनी टू डिस्टेंस इज इक्वल थर्ड डिस्टेंस, मतलब ये हो गया कि दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर हो तो सनरेख हैं। दो दूरियों, तो सनरेख का क्वेश्चन सोल्व करते हैं अपन। इसे क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं आपको, प्रूव दैट द पॉइंट ए वन कोमा वन, बी माइनस टू कोमा सेवन एंड सी थ्री कोमा माइनस थ्री आर कोलिनियर, मतलब संरेख प्रूव करना है। ये बताना है कि ये जो पॉइंट्स हैं ए बी सी हों, पी क्यू आर हों, ये कोलिनियर हैं, ये प्रूव करो। तो प्रूव करने के लिए हमें बताना पड़ेगा इफ सम ऑफ एनी टू डिस्टेंस इज इक्वल थर्ड डिस्टेंस, तो हमको डिस्टेंस फाइंड करनी होगी यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि दूरी के सूत्र का उपयोग करना है। तो हम
सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ ए बी अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर इज इक्वल अंडर रूट, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डिस्टेंस निकालना फिर सीख लेना, ए फर्स्ट है बी सेकंड है, ए फर्स्ट है बी सेकंड है, मैंने कहा था ए में एक्स वन वाई वन, बी में एक्स टू वाई टू, ऐसे एरो का यूज़ ना करें, केवल आप डायरेक्ट पुट करें, ये केवल ये लिखा है आपको समझने के लिए कि एक्स वन ये होगा, वाई वन ये होगा, एक्स टू ये होगा, वाई टू ये होगा, आप पुट करें यहाँ पे माइनस टू माइनस एक्स वन की वैल्यू वन स्क्वायर वाई टू की वैल्यू सेवन वाई वन की वैल्यू वन इज इक्वल फिर अंडर रूट माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री सेवन माइनस वन सिक्स अंडर रूट माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन सिक्स का थर्टी सिक्स अंडर रूट फोर्टी फाइव इज इक्वल टू थ्री रूट फाइव यूनिट्स. अब डिस्टेंस ऑफ नेक्स्ट ऐड करेंगे डिस्टेंस ऑफ बी सी डिस्टेंस ऑफ बी सी आप सेल्फ हैंड करेंगे अंडर रूट वैल्यूज बी और सी में देखना बी और सी के अंदर आप देखेंगे तो एक्स टू वैल्यू थ्री होगी एक्स वन की वैल्यू माइनस माइनस प्लस वाई टू की वैल्यू माइनस थ्री है वाई वन की वैल्यू सेवन है ओके स्क्वायर फिर अंडर रूट थ्री प्लस टू फाइव माइनस थ्री माइनस सेवन माइनस टेन रूट ट्वेंटी फाइव हंड्रेड वन ट्वेंटी फाइव फाइव रूट फाइव यूनिट्स डिस्टेंस ऑफ ए सी ए इज फर्स्ट सी इज सेकेंड ए और सी में पुट करेंगे ए और सी में देख के एक्स टू थ्री एक्स वन वन वाई टू माइनस थ्री माइनस वन अंडर रूट थ्री माइनस वन टू माइनस थ्री माइनस वन माइनस फोर माइनस टू का स्क्वायर फोर सिक्सटीन अंडर रूट ट्वेंटी टू रूट फाइव यूनिट्स. अब आप देखेंगे एक डिस्टेंस तो आई है फाइव रूट फाइव एक आई है टू रूट फाइव और एक डिस्टेंस जो थी बैक क्या थी बेटा डिस्टेंस ऑफ ए बी अपने पास में आया था थ्री रूट फाइव बैक पेज पे देखना आप. अब इनमें से वन टू थ्री में से एनी टू डिस्टेंस एनी टू ऐड करो जोड़ो तो देखो थ्री और टू फाइव और ये आप क्या है फाइव तो कौन सी डिस्टेंस हो गई ए सी प्लस ए बी इज इक्वल टू बी सी. ए सी कितना है टू रूट फाइव है ए बी कितना है थ्री रूट फाइव है बी सी कितना है फाइव रूट फाइव है थ्री और टू फाइव रूट फाइव इज इक्वल टू फाइव रूट फाइव. अब हम राइट करेंगे लैंग्वेज एनी सम ऑफ एनी टू डिस्टेंस सम ऑफ एनी टू डिस्टेंस इज इक्वल थर्ड डिस्टेंस सो द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर. ये क्वेश्चन आपको थ्री मार्क्स में मिल सकता है. कितने मार्क्स मिल सकता है थ्री मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अंडरस्टैंड तो कोलिनियर हमने बताया क्या होता है कैसे प्रूव करते हैं क्या फॉर्मूला है डिस्टेंस फाइंड करनी थी. फिर आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर फोर. ये क्वेश्चन भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है. ऐसे क्वेश्चन भी बोर्ड में पहले कई बार रिपीट हुए हैं. फाइंड द पॉइंट
ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट -2, -5 एंड 2, -3। ये हमारे पास में पॉइंट दे रखे हैं, रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन। फाइंड द पॉइंट, हमको एक ऐसा पॉइंट ज्ञात करना है, फाइंड करना है, पता लगाना है, जो पॉइंट कहाँ पर है, ऑन पर द एक्स अक्ष, जो एक्स अक्ष के ऊपर है, ऐसा पॉइंट फाइंड करना है विच जो कि इज है इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर। अंडरस्टैंड, किस दूरी पर, समान दूरी पर है, समदूरस्थ है, इक्वी डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस पर है फ्रॉम द पॉइंट, दो पॉइंट हैं, मतलब सिंपल भाषा में क्वेश्चन की लैंग्वेज समझेंगे, एक पॉइंट अपने पास में ये है, ये हमको पता लगाना है, फाइंड करना है, ये पॉइंट जो पता लगाना है वो ऑन एक्स अक्ष पर है और एक पॉइंट यहाँ पे है ए, एक पॉइंट बी। ए इज गिवन है माइनस, ए इज गिवन है -2, -5, बी पॉइंट है 2, -3 और एक पॉइंट फाइंड करना है, ये आपको फाइंड करना है, अननोन पॉइंट है, तो ये पॉइंट इस पॉइंट से ये और इस पॉइंट से ये दोनों क्या हैं, इक्वल है, ये दोनों डिस्टेंस क्या हैं, इक्वल। इस पॉइंट को आप सपोज कर लिया साहब, ये पॉइंट पी है, तो पी पॉइंट ए से पी पॉइंट बी से इक्वल डिस्टेंस पर हैं, तो ये पॉइंट फाइंड कर लेंगे अपन। लेकिन ये पॉइंट ऑन एक्स अक्ष, वी नो दैट ऑन एक्स अक्ष, एक्स अक्ष पर वाई का मान जीरो होता है, तो बताओ जीरो कैसे आया, समझ में आ गया ना, ऑन द एक्स अक्ष, यदि आ जाए ऑन द वाई अक्ष, इसका मतलब वाई आएगा तो एक्स का मान जीरो होगा, एक्स आएगा तो वाई का मान जीरो होगा, और ये नहीं पता ये एक्स है, तो इस पॉइंट को ओरिजिनल पॉइंट बनाएंगे। ये ओरिजिनल कैसे बनेगा, हमको यहाँ एक्स का स्थान रखना होगा, एक्स के स्थान पे, एक्स के स्थान पे यहाँ वैल्यू फाइंड करेंगे, पुट कर देंगे, दिस इज पॉइंट, फाइंड हो गया, यही पॉइंट होगा जो फाइंड करना है। ओके, मैं पेज चेंज कर रहा हूँ, ठीक है।